राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से हिमाचल प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर हैं। वे शुक्रवार को राज्य की स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर पर विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लगातार काम जारी है। आज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश की राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे के निर्माण का निरीक्षण किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मगध के नक्सल प्रभावित इलाकों में रेल परियोजना शुरू करने की मांग रखी। पश्चिम बंगाल से खबर, जहां पर कई जिलों में बुखार से प्रभावित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। मालदा में 200 से अधिक बच्चों का इलाज चल रहा है। वहीं पूर्वी वर्धमान में बड़ी संख्या में बच्चों में बुखार के लक्षण देखे गए हैं। खबर केरल से, जहां पर कोरोना की स्थिति में सुधार हो रहा है। यहां पर 80% से अधिक आबादी को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। यहां पिछले 24 घंटों में 17,681 लोग कोविड संक्रमित पाए गए, जबकि 25,588 मरीज स्वस्थ हुए हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटा दिया है, लेकिन कुछ प्रतिबंध अब भी लागू रहेंगे। सभी श्रद्धालुओं को कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट और कोविड रोधी दोनों टीके लगवाने का प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। असम सरकार ने 2,400 से अधिक गैंडों के सींग के स्टॉक को नष्ट करने का फैसला किया है। वन मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य के मुताबिक सरकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए 94 सींगों का संरक्षण करेगी। इन सींगों को काजीरंगा प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में रखा जाएगा। खबर दिल्ली से, जहां पर मानसून ने 1975 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल अब तक 1157 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इससे पहले 1975 में मानसून के दौरान 1155 मिलीमीटर बारिश हुई थी। उत्तर प्रदेश से खबर, जहां पर दृष्टिबाधित छात्रों को ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने आगरा स्मारक नामक पुस्तक ब्रेल लिपि में जारी की है। इसमें ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी सहित लोकप्रिय स्थलों को शामिल किया गया है।